हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, क्योंकि बहुत जल्द जो है CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आने वाला है, और उस टाइम पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस फॉर्म को भरने के लिए, है ना। तो ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का। तो इसलिए मैं आपके लिए ये स्पेशली वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। देखो अभी क्या बात हुई है, अभी जो CUET PG के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे कि मैम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है क्या। वो CUET PG के स्टार्ट हुए है। पीजी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। आप लोग जो है CUET UG दोगे, आप अंडर ग्रेजुएशन दोगे जो क्लास 12th के बाद दिया जाता है। तो अभी CUET UG की फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मोस्ट प्रोबेबली फेब्रवरी तक जो है आपके फॉर्म्स आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। बट उस टाइम पर आपके क्या चल रहे होंगे? बोर्ड एग्जाम्स। अब बोर्ड एग्जाम्स के बीच में फॉर्म फिलिंग में इतना दिमाग लगाना, इतना टाइम लगाना इज नॉट वर्थ इट, राइट। उस टाइम पे वैसे ही आपके पास टाइम इतना कम होगा, तो आप फॉर्म फिल करने के टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं क्या चाहती हूँ कि आप सब लोग इस पूरे मंथ में अपनी पूरी तैयारी करके रख लो, जो भी सारे फॉर्म्स रिक्वायर्ड है उनको एक प्रिपेयर करके रख लो एक ऑर्डर में, और जैसे ही फॉर्म फिलिंग आपको करनी होगी तो आपको उस टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है। बस जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएगी वैसे वैसे आप भरते रहोगे। और वैसे भी मैं डिटेल्ड प्रोसीजर पूरा CUET फॉर्म फिलिंग का लेकर आऊंगी, तो साइड बाय साइड आप मेरे साथ भी फॉर्म फिल कर सकते हो, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी, ठीक है जी, उसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी बस आपको जो काम करना है वो है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको सेव करके रखने, अपने बचा के रखने, जिससे आगे आप उनको यूज कर सको। कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होंगे? देखो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए होगा, है ना। अक्सर बच्चे जो है कभी मम्मी का मोबाइल यूज कर लेते, कभी पापा का यूज कर लेते, कभी अपना यूज कर लेते हैं। तो यहां पर आपको वही मोबाइल नंबर लिखना है जो आप लॉन्ग टर्म में यूज करने वाले हो, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही आजकल सब कुछ होता है। मोबाइल नंबर और ईमेल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो आप इन दोनों चीजों को बहुत सीरियसली लेकर आप जो है इसको भरो, जो एक्टिव रहता है। यूजली आप फोन उठाते हो, उस फोन को देखते हो, उसी फोन का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। पता चले एक ऐसा मोबाइल का नंबर दे दिया जिसमें आपको मैसेज आया हुआ, 10 दिन बाद आप देख रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करना है, जो डेली में आप उसको उठाते हो उस मोबाइल नंबर का फोन नंबर आपको देना है, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे स्कैंड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। आपको जो आप जो फोटोग्राफ लोगे, है ना, फोटोज जो है आप सभी खिंचवा लीजिए। मैं तो यही बोलूंगी कि अभी टाइम है तो सब लोग जो है स्टूडियो जाकर अपनी एक पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है वो आप खिंचवा लो। व्हाइट बैकग्राउंड रखना ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि आपकी जो है 80% शक्ल जो है पूरी दिखनी चाहिए, और बालों को भी ऐसे पीछे करके ईयर्स भी प्रॉपर दिखने चाहिए। इस तरीके से आप फोटो खिंचवाना तो आपकी वो फोटो हर जगह चलेगी। क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में आपको फोटोज ही फोटोज चाहिए, तो अच्छे से आप 30-40 फोटोज जो है खिंचवा कर अभी से ही रख लो। ये नहीं कि बचपन वाली दे दी, सेकंड फिफ्थ क्लास की कोई फोटो पड़ी थी उसको खींच के डाल दिया, भाई ऐसा मत करना, आगे काम आनी है फोटोज, तो अभी से आप जो है खिंचवा लेना। बहुत ज्यादा शक्ल में चेंज आ जाता है, तो आप खिंचवा के रख लो, आपकी जो पूरी कॉलेज लाइफ वो चल जाएगी, ठीक है। वहीं पर आपको जो email ID देनी है, email ID ये आपको वो देनी है जो आप यूज करते हो, जो प्रॉपर हो। अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट कर लो, क्योंकि देखो आईडी आपके आगे भी काम आने वाली है। जीमेल पे क्रिएट कर लो, उधर आपको गूगल ड्राइव भी मिलेगी, गूगल ड्राइव पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर ड्राइव पे सेव कर लो, क्योंकि ड्राइव पर एक जगह एक फोल्डर बना लो ड्राइव पे, और वहीं पर अपने सारे डॉक्यूमेंट सेव करते रहो। क्योंकि मोबाइल में तो आप गुम कर देते हो, मोबाइल में तो बाकी चीजें इतनी होती है, या फिर आप मोबाइल में अडोब करके का, है ना, वहाँ पे एक स्कैनर आता है तो उसको आप डाउनलोड कर लो, उसी से आप स्कैन करो और उसी में अडोब में आप सेव करके जो है रखते जाओ। मतलब मैं तो ऐसा ही करती हूँ, तो मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मैं अडोब मैंने कर रखा है, उसमें ही मैं जो है स्कैन भी कर लेती हूँ और वो वहीं पर सेव रहता है, उसको मैंने अपनी ड्राइव के साथ सिंक कर रखा है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कहीं पे जाएगा नहीं, आपकी गैलरी में से खो सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट, आपकी फाइल्स में से खो सकता है, बट ड्राइव में से आपका डॉक्यूमेंट कभी कहीं नहीं जाएगा। इवन लैपटॉप में से खो सकता है, लैपटॉप करप्ट हो गया,
वायरस आ गया, सारा डेटा उड़ गया, तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अपना डॉक्यूमेंट सारे आपके प्रॉपर एक जगह पे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की बात अभी मैं करूंगी। वहीं पर स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, ठीक है, आपका जो भी सिग्नेचर है उसकी आप एक कॉपी स्कैन करके, जैसे एक पेज पे आपने सिग्नेचर किया अपना, और अपना सिग्नेचर बार बार बदलो मत, ये वाली उस बड़ी प्रॉब्लम मैंने बहुत देखी है। तो सिग्नेचर अब आप एक ही कर लो बच्चे, बहुत कम आएगा आगे, वरना भूल जाओगे। आपको लगता है कि मेरे को याद रहेगा कि मैंने यहाँ पे ये सिग्नेचर किया है, बट याद नहीं रहता है। आप अपना एक ही सिग्नेचर अब बना लो, क्योंकि अब आगे बहुत सारी चीजें जो है फॉर्मलाइज हो जाएगी। स्कूल तक तो काम चल जाता है, बट अब चीजें आगे हर जगह वही सेम चलेगी। तो आप अपना एक ही सिग्नेचर अपना लो और वहीं पर पेपर पे साइन करो, उसकी फोटो क्लिक करो, स्कैनर है ना जो एडोब का मैंने बताया, उससे फोटो क्लिक कर लो और उससे जो है आपका प्रॉपर सिग्नेचर की फोटो आपकी आ जाएगी, ठीक है। और इनके कुछ साइज है, ऐसा नहीं है कि किसी भी साइज में आप अपलोड कर पाओगे फाइल, तो मैं भी बता दूंगी कि आपको कितने साइज में अपलोड करना होगा और उसको रिसाइज करके भी आप रख लेना। वहीं पर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपका कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, मोस्टली जो है आधार कार्ड है ना, तो आप आधार कार्ड अभी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा अभी आपके पास है ना, आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड सभी के पास होगा, तो अपना आधार कार्ड जो है आपको रेडी रखना, उसको भी स्कैन करके, क्योंकि हर चीज आपको स्कैनर स्कैनिंग के रूप में चाहिए। स्कैन करना सबको आता है, स्कैन करना मतलब एक फोटो ले लेना है ना, और फोटो में प्रॉपर क्या होता है, स्कैनिंग में आपको प्रॉपर उसको अगर अडोब का डाउनलोड करोगे तो प्रॉपर वो बिल्कुल ब्लैक कर देता है, प्रॉपर चीजें दिखती है ना। तो वहीं पर स्कैंड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट है ना, आप सब लोग क्लास 12th में हो तो आपको आपका जो 10th की जो मार्कशीट है उसकी स्कैंड कॉपी चाहिए होगी। अगर मेरे टाइम पे क्या थी, 10th की मार्कशीट बहुत बड़ी सी थी, तो मैंने तो बाहर से करवा लिया था स्कैन। अगर आपको स्कैन खुद करना नहीं आता तो आप फोटो कॉपी शॉप्स जो होती है वहां पर जाकर सारी चीजें स्कैन करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं एक बार ढंग से करवाना चाहता हूँ तो वहां से करा दो, वैसे तो घर पे भी हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जिनको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो आप बाहर से जाकर स्कैन करा लो, उनसे जो है एक पेन ड्राइव में डाल लो अपने, और पेन ड्राइव लगा के फिर आप जो है अपलोड करके अपने मोबाइल पे और अपने लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे रख लो, ठीक है। वहीं पर स्कैंड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स, अगर आप किसी भी कास्ट मतलब जैसे SC, ST, OBC या फिर आपका PWD भी जो है, PWBD का जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उनको भी आप अपडेट करा लो, क्योंकि अपडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया। स्टेट के होते एक सेंट्रल का होता है, यहाँ पे सेंट्रल वाला चलेगा, तो आपका जो SC ST का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना सर्टिफिकेट भी रखो, क्योंकि उनको जो है थोड़ी, आप देखोगे थोड़ी जो आप जब एडमिशन लोगे तो आपको वो दिखाना होगा, ठीक है। तो आपको ये भी अपना रेडी करके रखना है अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है। वहीं पर स्कैंड कॉपी ऑफ 12th मार्कशीट, देखो ये तो PG वालों के लिए जो CUET PG देंगे, बट अभी आप 12th में तो हो नहीं तो इसका टेंशन नहीं लेनी है आपको। वहां पे ऑप्शन आएगा तो आप अपियरिंग डाल देना है ना, कि अभी आप क्लास 12th में अपियर कर रहे हो, अपियरिंग, तो उस तरीके से आपका आएगा। तो अभी ये आपके लिए ये वाली जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस 10th की मार्कशीट डालनी है। ये पीजी वालों के लिए, पीजी क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे जिन्होंने बीए कर ली, वो एमए करना चाहते हैं तो वो बीए की डालेंगे ना, क्लास 12th भी डालेंगे, तो उनके लिए होता है ये। अभी आपको क्लास 12th वाला इधर आपको इतना फोकस नहीं रखना है, बाकी के जो ऊपर की चीजें जो मैंने बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रख लेने हैं, ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स, जो फोटोग्राफ हो गई, सिग्नेचर हो गई और कैटेगरी PWBD के सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली आपको कोई डिसेबिलिटी है ना, तो आप जो है क्या कर सकते हो, अगर आप उसका सर्टिफिकेट होता है आप उसका सर्टिफिकेट अपडेट करा लीजिए, अगर आपके पास पहले से है, अगर आपको न्यू बनवाना है तो आप न्यू बनवा लीजिए। सो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की फुल फॉर्म है, तो वो जो है अपना सर्टिफिकेट और जो बाकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स होते हैं SC ST, तो वो भी आप जो लोग जो है रेडी करके अपना रख लीजिए। अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, उनसे पूछिए और उनकी हेल्प लीजिए इन सब चीज़ों में, जिससे पहले से आपके पास सारी चीजें हो, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बनने में भी टाइम लगता है ना। तो अभी आपके पास लगा के चलो 15-20 दिन फिर भी है, तो आप आराम से टेंशन फ्री होके, अगर नहीं है तो आप बनने के लिए दे दीजिए, वो आ ही जाएगा 15-20 दिनों में, ठीक है। तो आपके पास जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर होगी वो JPG या JPEG फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे आप देखते हो ना कोई भी नाम होता है तो उसके .JPEG एक्सटेंशन लगी हुई होती है, ठीक है।
तो जो एक्सटेंशन होनी चाहिए वो जेपीजी या जेपीईजी होनी चाहिए, जैसे डॉट पीएनजी होती है, डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी, फाइन, डॉट डॉक होता है, तो डॉट पीपीटी होता है, तो आपको यहाँ पे जेपीजी या जेपीईजी होनी चाहिए। और अगर आपकी किसी और फॉर्मेट में है तो आप जो है सिंपल गूगल पे डालो कि कन्वर्ट, लेट्स से आपकी पीएनजी फाइल है, सो कन्वर्ट पीएनजी टू जेपीजी, तो आपको इतने सारी वेबसाइट्स इतनी सारी मिल जाएंगी जिन पे आप यू नो क्लिक करोगे, वहां पर अपनी फाइल डालोगे, चूज करोगे कि आपको जेपीजी में चाहिए और आपको कितने साइज में चाहिए, वहां पे आप साइज भी डाल सकते हो कि जो मेरे फाइल साइज होना चाहिए जैसे 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, तो 50 KB डाल दिया है ना, 10 से 200 के बीच में जितना भी KB चल जाएगा, तो आपको साइज फाइल का जो साइज भी जो है चेंज करना है। एक तो फाइल का फॉर्मेट भी इनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए और साइज भी इनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो, है ना, आपको सबको ये सब आता होगा, आपने कर भी रखा होगा, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो आप सब लोग जो है क्या कर सकते हो, सीधा सिंपल गूगल पे डालो, अगर आपको फाइल रिसाइज करनी है तो डालो रिड्यूस फाइल साइज, ठीक है, रिसाइज माय फाइल, तो आपको बहुत सारी आ जाएंगी वेबसाइट्स, आप उस पर क्लिक करो और आपकी फाइल जो है रिसाइज हो जाएगी, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। वहीं पर सिग्नेचर भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसका सिग्नेचर का साइज है 4 KB से 30 KB। वहीं पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आप पीडीएफ डाल सकते हो, है ना, इसके पीडीएफ अलाउड है, तो अगर आपके पास फोटोज है, जैसे लेट्स से आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का फोटोज है, तो फोटोज से आप पीडीएफ बना सकते हो, है ना, उस पर ला सकते हो कन्वर्ट इमेजेस टू पीडीएफ, तो ये भी डालोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा और आप जो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। और पीडीएफ का साइज जो है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, समझ आ गई बात। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है बच्चे, आप रेडी रख लो, ठीक है, जब फॉर्म फिलिंग आएगी तो मैं आऊंगी आपके साथ और आपको सारा सीक्वेंस में साथ में भरेंगे हम, है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगी और आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी टेंशन मतलब अभी से ही देख रहे हो पीजी वाले फॉर्म्स, क्योंकि पीजी आ गया तो आप पीजी को देख रहे हो, अच्छा ऐसे ऐसे फॉर्म फिल होगा, वो टेंशन अभी नहीं लेनी है, पहले आप पहला कदम तो उठाओ, ओके, फॉर्म फिल जब आएगा तब हम करेंगे। तो आई होप आपको जो है ये हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है, तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट।